देखो मैं आज तुम्हें सिखाऊंगा इसके अंदर कि हमें कोई फोल्डर फाइल डिलीट हो जाती है तो कहाँ जाती है, और हमें हमेशा के लिए वो फाइल डिलीट करनी है तो कैसे करेंगे, ठीक है। उसे सीखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने एक्सेल ओपन किया, ठीक, किया ओपन। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल सेट ओ करूंगा, ओपन। क्या किया मैंने, कंट्रोल ओपन। ओपन मैंने ये अजय कुमार की जो फाइल है मुझे डिलीट करनी है, क्या करनी है, डिलीट। डिलीट करनी है। तो मैं डिलीट पे दबाऊंगा तो यहाँ क्या आ रहा है, ऑप्शन यार, आर यू श्योर यू वांट टू मूव दिस फाइल टू द रिसाइकल बिन। मेरी फाइल कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन। जैसे कि घर के कूड़ा करकट होता है गंदगी, हम एक डस्टबिन में रखते हैं, ऐसे ही जो भी बेफालतू फाइल होती है जो हमारे काम की नहीं होती हम क्या रखेंगे, रिसाइकल बिन में। यहाँ यस कर देंगे, डिलीट हो गई, ठीक है। अब एक ऑप्शन है हमारे यहाँ पे परमानेंट डिलीट करनी है, तो स्विफ्ट के साथ डिलीट दबाएंगे। क्या दबाएंगे, शिफ्ट के आर यू साथ श्योर यू वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल। तो सिर्फ डिलीट दबाने से क्या होता है, जो फाइल होती है कहीं नहीं जाएगी कंप्यूटर में, वो बिल्कुल डिलीट हो जाएगी कंप्यूटर में, कंप्यूटर रहेगी ना कहीं। अब देखो मैंने जो फाइल डिलीट की थी वो आप दिखा रहा हूँ तुम्हें, तो यहाँ रिसाइकल बिन का ऑप्शन आता है, आ रहा है ना, ये रिसाइकल बिन पर क्लिक किया। अब मान चलो अपनी जो फाइल थी ये हो गई, अतुल वाली फाइल है, अब ये फाइल थी अपनी जो हमने डिलीट की थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ, हमें ये बाहर निकालनी है तो राइट क्लिक करके रिस्टोर कर दो, बाहर निकल जाएगी। तुम्हें यहाँ से डिलीट करनी है तो शिफ्ट का डिलीट दबाओ, आर यू श्योर वांट टू परमानेंट डिलीट दिस फाइल, ये डिलीट कर देंगे यहाँ से यस करके, ठीक है। तो अभी फाइल जो अपनी क्या डिलीट करने पे क्या हुआ था अपना, कि फाइल डिलीट तो हुई पर कहाँ आ गई, रिसाइकल बिन में आ गई। आप चाहते हो यहाँ नहीं आए तो शिफ्ट का डिलीट दबाने से आपकी फाइल यहाँ भी नहीं जाएगी, बिल्कुल डिलीट हो जाएगी परमानेंटली इसके अंदर से, कंप्यूटर के अंदर से। आई बात समझ में,